आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। मादनापेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत 15 दिन पहले मोहम्मद अनस का चार दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था दो बीघा चौरस्ते पर, और मोहम्मद अनस 15 दिन से हॉस्पिटल में थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज इलाज के दौरान मोहम्मद अनस का इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात से, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया है आज, उसके लिए मगफिरत के लिए दुआ करिए। और ये इंसिडेंट जो है सुना धोबी घाट चौरस्ते पे वास हुए आज से 15 दिन पहले। इतने दिन से अभी हम यहाँ पर सर पे मार लगने से इनको अटैक हो गया था चार दोस्तों के साथ। दोस्ताने में इनको पीने खाने की आदत ये सब लग जाने से लेकर जाकर बहला फुसला कर या पीने की लड़ाई लगा कर सर पे मार लगने से हॉस्पिटल में 15 दिन से एडमिट थे, आज उनका इंतकाल हो गया। हम सभी हजरात से यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये दोस्ताने में ये सब चीज़ें हो रहे हैं कि इसके आपसे हमारा बोलने का मकसद यही है कि हम अभी तक टीवियों पे न्यूज़ों में देखते रहते थे, आज हमारे घर पे बीतने से हमारे को आकर सामने खुलकर बोलना पड़ रहा कि यही लड़ाइयों के दौरान दोस्तों के लड़ाइयाँ दोस्ताने से दूर रहिए, कुछ ऐसा रहा अपने बड़ों को बताकर उनसे सुलह करिए। और ये चार लोग हैं जो पैसों के चक्कर में ऐसा अटैक कर दिए थे, एक का नाम जो है सोना जग्गा, याकूब, ख्वाजा बबलू, ये चार जने हैं। आप सभी लोगों से यही हमारी दरख्वास्त है कि मगफिरत के लिए दुआ करिए। अनस भाई है मेरे बड़े भाई का नाम, मोहम्मद अनस, हम पांच भाई हैं उसमें से हमारे सबसे बड़े भाई थे ये। हमारे से यही अपील है कि कमिश्नर साहब से भी, डीसीपी साहब से भी, कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिए, और कुछ दूसरे भी जगहों पर ये ऐसे जो जो भी किस्से चल रहे हैं उसके ऊपर ज़रा एक्शन लीजिए। आज हमारे पे बीती, कल किसी और के ऊपर नहीं बीतना, यही गुजारिश है हमारी। चारों अलग अलग जगहों पर रहते, एक धोबी घाट पे, एक सैदाबाद में, एक मादन्ना पेट, एक पुसल बस्ती। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।